बिजनौर जनपद के धामपुर नगर पालिका में कार्यरत एक लिपिक को अधिशासी अधिकारी के डीएम्बा कमिश्नर से झूठी शिकायत करना महंगा पड़ गया, जिस पर संबंधित लिपिक ने पालिका अध्यक्ष व ईओ के समक्ष माफी मांगकर किसी तरह अपना पीछा छुड़ाया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की नगर पालिका परिषद धामपुर में कार्यरत लिपिक सुनील कुमार ने पिछले दिनों बड़ापुर की एक महिला से पालिका के ईओ सुभाष कुमार व लिपिक पर झूठे आरोप लगाते हुए डीएम्बा कमिश्नर से शिकायत कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया कि ईओ और लिपिक ने मिलीभगत कर तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करा दिया। अधिकारियों के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम जांच की, जिसमें सभी आरोप झूठे पाए गए। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष कार्यालय में ईओ सुभाष कुमार ने लिपिक सुनील कुमार को तलब किया। जब ईओ के खिलाफ झूठी शिकायत करने की बाबत पूछा गया तो लिपिक सुनील कुमार ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्त नहीं किए जाने की बात कही। सुनील कुमार ने बताया कि डिप्रेशन में होने के कारण उनके द्वारा महिला से उक्त शिकायत कराई गई। डिप्रेशन में अगर आदमी को कोई दिक्कत है, कोई अच्छा पद है, सम्मानजनक, अगर किसी के पास कोई, अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो पहले आके हमें बताए, उसके चलते कोई ऐसा कदम उठा ले कि आगे चल के उसके बारे में वो कुछ कह ना पाए, तो ये स्थिति दोबारा शिकार नहीं होगी। एक बार तो हो गई कि डिप्रेशन में हो गया काम, लेकिन डिप्रेशन में शिकार नहीं होगा। डिप्रेशन में आदमी छुट्टी लेके घर बैठे, यहाँ ना आए। अगर वो काम करने योग्य, सोचने योग्य नहीं है तो घर बैठे, यहाँ जरूरत नहीं है इस तरीके का काम करने। और सब आप मीडिया के लोग हैं, मतलब सब भली भांति जानते ही हैं, जो भी हमने विकास कार्य जिस प्रकार नगर पालिका को परिवार के रूप में चलाया, और मेरा ध्येय तो ये रहा कि भाई जिस जो जनता ने मुझे कमान सौंपी थी कि मैं उस पर खरा उतरूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में काम करती है मैं उसका जनप्रतिनिधि हूँ, और उसी को प्रयास करते हुए आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि नंबर वन हम जिला बिजनौर में है विकास कार्यों में, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है। इसको कोई जो मुझसे डिबेट जिस जगह करना चाहे वो कर सकता, विकास कार्यों से संबंधित अन्य जो विभाग है, जैसे व्यवहारिकता है, भ्रष्टाचारी है, उसमें भी हम मतलब जीरो पे हैं, कहीं कोई ऐसा चीज नहीं है। उसके अलावा रही स्टाफ की बात, तो मैंने जब चार लिया तो मैंने यही समझाया था कि आप सब लोग परिवार के लोग, मेरा तो 5 साल का है, तुम्हारी नौकरी किसी की 30 साल की है, किसी की 32 साल की है, तो उसी प्रकार से हमें कार्य करना। लेकिन अब जब आ ही रहा तो अब सुनील बाबू पता नहीं कैसे डिप्रेशन में आ गए, और इनसे गलती हुई जो ये नहीं होनी चाहिए थी, इससे इनकी छवि खराब हुई, ईओ साहब की या पुष्पिंदर की, और समझ नगर पालिका की वो छवि खराब होती है पूरे स्टाफ की। तो इसके लिए इन्होंने आज माफ़ी मांगी, भाई जब गलती इनसे हुई तो आज इन्होंने माफ़ी मांगी। ये बात सही है कि जब आदमी डिप्रेशन में आता है उसे अपना इलाज कराना चाहिए, लेकिन अब ये आगे वो बिल्कुल सही कार्य करेंगे, क्योंकि अब इन्हें गलती का वो हो गया, और अगर कोई ऐसी गलती ना होती है फिर तो इसका परिणाम फिर इन्हें बहुत तकड़ा भुगतना पड़ेगा। तो अभी बाकी आपके सामने उन्होंने गलती मांग ली, लेकिन और बस मेरा तो यही कहना है कि